राम राम सर ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और लेकर आ गई हूँ मौसम की खबर। क्योंकि देखो भाई गर्मी होने लग रही है तो इसे मैं लोग रुचा हुआ है कि भाई बारिश आ जावे या फिर मौसम ठंडा रहो। जैसे मैं मौसम की खबर लेकर ना आ गई हूँ। ये बात करूँ मैं अगले 3 घंटे की, तो अगले 3 घंटे में भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद जिले में और इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें कुछ एक स्थान पर धूल भरी हवाएं और गरज चमक के गिल्ला छिटपिट बूंदाबांदी और हल्की बारिश कितिया आ सका है। इनमें जो आगे की बात करूँ तो भाई हरियाणा के कुछ इलाका में पिछले 2 दिन में हुई बारिश से मौसम जो है कति सुहाना हो गया है। प्रदेश में आज हल्की धूप के साथ आसमान में बादल छाए रहे कितिया। हालांकि पिछले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण लू के थपेड़े से राहत मिल गई लोगों ने, लेकिन बारिश के बाद होने वाली उमस भरी गर्मी का ईब लोगों ने सामना करना पड़ेगा। इब जब मैं आगे की खबर बताऊं, क्योंकि देखो बारिश तो आई है तो हमने बता दियो कि भाई आमतौर पर इस टेम हरियाणा और पंजाब तक मानसून पहुंचना शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मानसून की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र जो है बनता है और वहाँ तक कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा और पंजाब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए है, लेकिन इस बार वो दबाव जो है हरियाणा और पंजाब की तरफ ना बढ़कर बल्कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। और जिस वजह से उन इलाका में कई जगह पर बारिश जो है तेज हुई है और इसी वजह से पंजाब में और हरियाणा में बारिश जो है कम हुई है, मतलब ओड़े ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक से नहीं। तो देश भर में बने मौसमी सिस्टम की जब मैं बात करूँ तो एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पंजाब और इससे सटे पाकिस्तान के हिस्से पर बना हुआ है और एक अन्य चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में है। एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र असम के पश्चिम हिस्सों और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है, यानी कि ओडे भी थोड़ा बहुत बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूँ तो पिछले 24 घंटे के दौरान जो है पश्चिमी बंगाल, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण और गोवा और झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। इसका गिल्ला गिल्ला बात करूँ मैं जे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और जम्मू कश्मीर, दक्षिण गुजरात, उड़ीसा और कुछ हिस्से जो कर के बिहार, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से सटे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। जैसा कि हरियाणा के कई जिले में मैंने पहले भी खबर सुनाई थी कि भाई इनमें हल्की बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में बताया मैंने कि भाई इन इन जगह पर बारिश हो सका है। कुछ एक नाम है ओड़े के और नाम ले जाती हूँ, क्योंकि देखो ओड़े पहले भी बारिश होती आ रही है जो करके भाई तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और इनके जितने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र है, मेघालय है, असम है, सिक्किम है, ओड़े बहुत भारी बारिश होती भी आई है और हो भी सका है। तो भाई बारिश तो 2-3 दिन का अंदर अंदर हुई है घनी जगह पर, हालांकि पंजाब और हरियाणा में कम बारिश हुई है, लेकिन 2 दिन की बारिश में जो है लोगों ने जो जितनी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था ना उस तक थोड़ी सी राहत मिल गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लोग कति परेशान हो रहे थे, नु कह रहे थे कि भाई हे राम बरस जा बरस जा, तो राम थोड़ा सा बरसा है। लेकिन एक और बात हमने बता दूँ, ईब 2-3 दिन का अंदर भी मौसम सुहाना होने की बात बताई गई है मौसम विभाग ने। हालांकि देखो आगे कि सुहाना होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर ते जो बारिश नहीं आ जा कर, बारिश आने के बाद जो उमस से भरी गर्मी हो जा कर उस गर्मी का सामना करना पड़ सका है, क्योंकि बे मानसून आया नहीं है और मानसून आने में थोड़ा सा टेम लगेगा। क्यों टेम लगेगा वो मैंने ऊपर तार लग बता भी दिया है कि भाई पंजाब में और हरियाणा में मानसून आने में बे टेम लगेगा, ठीक से ना। जब तक माम तो नुए कैसे कहा था सारे गर्मी तय बचे रही हो, ठीक से नहीं। मैं फिर मिलूंगी किसी और खबर के लिए, तब तक के लिए राम राम।